नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं होमर्टन ग्रामर स्कूल सेक्टर 21 और आप देख सकते हैं बच्चों ने लगाई है एक बड़ी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में मिलेंगे उन बच्चों से जो बच्चे लगातार चीज़ों को लेकर ये देखें अपनी प्रतिभाओं को तरह तरह से बच्चे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दिल बना है और दिल कैसे काम करता है उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं बच्चे। जी कुछ बता रहे हैं इसके बारे में, कुछ बता रहे हैं इसके बारे में, क्या बता रहे हैं थोड़ा सा जी। गुड मॉर्निंग, आई एम वानी चौधरी। जी ओके, इमेजिन द हार्ट इज लाइक अ बिजी सिटी विद टू साइड, द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। हियर इज हाउ द हार्ट वर्क। Right side, incoming deoxygenated blood. Think of the right side as a collection point for use the blood that need oxygen. This blood comes from all over the body. First stop, right atrium. This blood comes at a place called right atrium, like a waiting room. Moving on to the left ventricle, right ventricle. Squeeze and move. When the right atrium squeezes, it pushes the blood into the right ventricle, which is like a big pump room, heading to the lungs. Then the right ventricle squeezes and sends the blood on a trip to the lungs. It's like the blood is taking a little vacation to get fresh oxygen. Left side. देख सकते हैं आप बड़ी तैयारी के साथ बच्चे दिल के बारे में बता रहे हैं और आपको दिखाएंगे भीतर लेकर चलेंगे। कैसी लगी एग्जीबिशन आपको? बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक किया है बच्चों ने? बहुत बढ़िया जी। जी मैम बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा? हाँ बहुत बढ़िया। पेरेंट्स पहुंचे हैं और उनके नौनिहालों ने क्या क्या किया है वो तमाम चीज़ें यहाँ दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप वाओ, छोटे बच्चों के लिए प्रदर्शनी में बहुत कुछ यहाँ लगाया गया। आज बच्चे एहसास कर सकें कि ये स्मूथ है और ये रफ है, छूकर देख सकें। बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देख सकते हैं आप रंग बिरंगे छोटे बच्चे। आप भी आए हैं जी, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने कैसा किया है आज एग्जीबिशन में? बहुत अच्छा किया है सबने। स्कूल की साइड से भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी। क्या शुभ नाम आपका? महक। महक जी हैं हमारे साथ, ये देख सकते हैं। सर बताइए जी, क्या बोल रही हैं आप? अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन है कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मी। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम आपका? रायना है। कौन सी क्लास में है रायना? फर्स्ट क्लास में है रायना। और आप देख सकते हैं बच्चों ने बना दिया है कुछ। क्यों खड़े हैं आप लोग? क्यों खड़े हैं आप? क्या है ये? 3D shapes. 3D shapes बनाए हैं। ये वाली कौन सी शेप है? हेक्सागन है। तो हेक्सागन 3D होता है? आप बोलना पूरी लाइन पे। यस। और ये क्यूब है। ये जी पिरामिड है। अच्छा ये टीम बनी हुई है, ये वाली टीम अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ओके गुड। कौन सी क्लास से हैं आप लोग? सेकंड। और ये देखें बच्चों ने बनाया है सोलर सिस्टम और उसके बारे में बता रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट क्या बता रहे हैं इसके बारे में? पहले आरंभ बोलेगा, पहले ये बोलेंगे। अच्छा जी, a root is a part of a plant that is usually hidden underground. They hold the plant in the ground and keep it upright. They take water and food from the soil. They also store food for the plant. The roots of the many plants can be eaten. Root vegetables include carrots, beetroot,
turnip, radishes and sweet potato. Damage to the roots will be harm or kill the plant. Thank you. Thank you very much. आप बोलेंगे अब? अब आपकी बारी है, इनकी बारी है. Good morning. क्या नाम है आपका? Good morning. I am Myra. So today I can speak lines on stem. Stem is a part of the plant. Stem is an living system of the plant. It is most important and unique plant. It carry water and food for the plant. Plants. जी. Thank you. Thank you. बात करेंगे हम. जी. कैसे हैं आप? और ये type of beaks हैं. जो परिंदों की चोंचें होती हैं वो दिखा रहे हैं. जी, तो इसमें तोते वाली कौन सी है? ये वाली है. कुछ खास बात होती है तोते की चोंच में? कुछ खास बात होती है? उसकी चोंच आगे से बहुत पॉइंटेड होती है, तो वो किसी भी नट और वॉलनट को खोल सकते हैं. कुछ बहुत बढ़िया. आप देख सकते हैं बच्चे अच्छी तैयारी के साथ हैं. जी, और लाइफ साइकिल ऑफ जो कुछ पढ़ रहे हैं वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं आज बच्चे, और बड़ी मेहनत स्कूल के टीचर्स ने भी की है. जी, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. बच्चे ठीक परफॉर्म कर रहे हैं? यस, बहुत अच्छे, बढ़िया बता रहे हैं. बच्चों में दिख रहा है, झलक रहा है आत्मविश्वास? बिल्कुल दिख रहा है आत्मविश्वास, बहुत कॉन्फिडेंस में है और अच्छे से है. अच्छे से बोला, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं. जी, मम्मा लेके आई है बच्चों के लिए. हाँ जी, एग्जीबिशन है. एग्जीबिशन है, लेकिन बच्चों के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स का जो कोऑपरेशन रहा है वो भी यहाँ झलक रहा है. बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, देखो आप देख सकते हो. ऑरेंज खाओ, सेहत बनाओ. बहुत बहुत मेहनत की है बच्चों. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, स्कूल में आके स्पेशली बच्चों को देख के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं. गुड. होमटन ग्रामर स्कूल में हम लोग हैं और ये वाटर साइकिल का मॉडल बनाया है. जी, वाटर साइकिल का मॉडल है. तो कैसे बारिश होती है? Today let's come back on an exciting journey to unravel the secrets of the water cycle, a natural wonder that keeps our world in balance. Imagine it as a magical dance orchestrated by nature, ensuring that water goes on an incredible adventure, changing form as it travels. First point of the puri lambi kahani hai, kitna kaise sun payenge? Ji, big cycle, samandar se leke aasman tak. Kaisa lag raha hai ma'am? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. एक्चुअली मेरी डॉटर है इसमें और बच्चों का इतना, मतलब वो देख के मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा. एंड स्कूल इज़ वेरी बेस्ट, होमटन ग्रामर, आई रियली लव इट. माय डॉटर इज स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स, वेरी नाइस स्कूल. मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और ये जो बच्चों के लिए एफर्ट्स डालते हैं ना, ये सुपर्ब है. थैंक यू सो मच. हैं, देखें आप, कोशिश है, लगातार कोशिश है कि, और ये सब जो गतिविधियां हैं ये स्कूल में, ये सब तमाम गतिविधियां जो हैं ये कॉन्फिडेंस, बच्चों का जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाने के लिए होती हैं. कैसे हैं आप? बढ़िया. कैसा आशीर्वाद है आपका? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. एग्जीबिशन ठीक लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही है. और बच्चों का जो मनोबल है बढ़ रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, मनोबल भी बढ़ रहा है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इससे मनोबल बढ़ेगा. जी, आत्मविश्वास. जी जी. हाँ जी, कुछ बता रहे हैं अभी? नमस्कार. आज मैं आपके सामने शब्द जैसे कि दिन, रात, ऊपर, नीचे, मोटा, पतला, उदय, अस्त. आओ हम सब मिलकर एक खेल खेलते हैं. मैं आपको एक शब्द दिखाऊंगा, आपको उसके विलोम शब्द बताना है. दिन. जी बताइए. दिन. रात. अपने सही जवाब दिए शाबाश. उदय. अस्त. अपने सही जवाब दिए शाबाश. मोटा. पतला. सही जवाब दिए शाबाश. धन्यवाद. प्लीज कम. जी जी मैम बताएं. जी हाँ जी, क्या नाम आपका? काव्या. काव्या. काव्या हैं और तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं. जी, ये एग्जीबिशन आ रहे हैं मैम, वहाँ भी पहुँच रहे हैं, तमाम बच्चे दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं. कैसी लग रही है ये एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया, और सब बच्चों ने ही कर रहे हैं, बच्चे ही सोच रहे हैं. इट्स वेरी नाइस. बच्चे सोच रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसे यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं. जी, क्या नाम आपका? पावटी सैगल. जी, क्या किया, क्या है आपने आज? आज हमने फैक्टर ट्री मेथड करा है. अच्छा, ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं आप? यस. तो ये क्या 24 का फैक्टर बनाया है आपने? हमने बनाया.
बनाया है कि as you can see we started factorization 24 and split it into 2 and 10 again 2 is a prime number we will put into a circle and we will now split it into 2 and 6 again 2 is a prime number we will put into a circle and we will now split it into 2 to ye wala utha ke yahan laga denge hain yes yahan acha okay aur yahan pe खेल के माध्यम से बच्चे कैसे सीखते हैं ये बहुत अच्छा प्रदर्शनी में यहाँ बहुत बेहतर तरीके से बताया जा रहा है बच्चे करके दिखा रहे हैं ओह ग्रेट See, we can list the prime number as factor as 24, 2 by 2 by 2 by 3. Thank you. Good. बहुत बढ़िया. शाबाश. Thank you. तो आप देख सकते हैं सब बच्चे कुछ कुछ बना रहे हैं ये तो संज्ञा है क्या है ये सर्वनाम है yes. तो सर्वनाम क्या होता है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम के 6 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं इनके 3 प्रकार होते हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष उत्तम पुरुष में आता है शाबाश शाबाश ये आपने क्या नाम है आपका नित्य कोहली और आपका फलक गौर फलक गौर हैं और फलक जी क्या बना दिया है ये आपने जी ट्वेंटी बना दिया है ये देख सकते हैं कमल के फूल में खिल गया है G20 हाँ यस सर क्यों लोटस क्यों लगाया आपने सर आई दिस आई डिडंट हैव मेड दिस आवर क्लास के स्टूडेंट्स हैव मेड ओके तो आप देख सकते हैं बच्चों ने बनाया जी क्या नाम आपका शिवांगी क्या कर रही हैं आप फ्रेंच स्टॉल कहाँ है आइए शिवानी जी और ये भी कुछ किया है अच्छा किया है बच्चों ने ये देख सकते हैं चल रहे हैं शिवांगी जी क्या है ये क्या बना दिया आपने ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है ओह गुड बहुत बढ़िया तो आप ये देखें इसको घुमाएंगे हम तो ये अपने आप घूम जाएगा नहीं घुमाना पड़ेगा इनमें से ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा है ना Synonyms are the words which have same or similar meanings. For example, happy is equal to glad, beautiful is equal to pretty. Oh, good. बहुत बढ़िया. Type of angles. Angles की बात हो रही है. गणित की बात हो रही है. Mathematics की बात हो रही है. तो क्या दिखा क्या नाम है आपका पहले नाम बताएं. My name is Kritika Abrol from class 4G of school Homerton Grammar School. We are representing types of angles. Angle when two lines or rays meet at a common point an angle is formed and the common point is called vertex there are various styles of angle in geometry like obtuse angle straight angle reflex angle straight angle kitne ka hota hai straight angle kitne degree 180 degree it is of 180 degree 180 degree oh great acha isi se bana dete hain aap sab yes oye aur ye kitne ka angle ho gaya ye kitne ka angle hai So call it zero degree angle. Zero degree 360 और ए सर्कल यस गुड थैंक यू तो आप देखें बच्चों का दिखाई दे रहा है आत्मविश्वास और तैयारी पूरी है ना क्या नाम है आपका नाम बता दें गुलनूर लाउडली गुलनूर क्या बताया मैम नाम सीरत हैं तो आप देख सकते हैं जी और जी फ्रेंच स्टॉल पर हैं ओके फ्रेंच भाषा भी हैं अंग्रेजी हिंदी है और फ्रेंच भी है जी गुड मॉर्निंग सर वेलकम टू होमर्टन ग्रामर स्कूल माय नेम इज शिवांगी इन आवर स्कूल वी फॉलो थर्ड लैंग्वेज सिस्टम इन विच वी इंक्लूड पंजाबी संस्कृत एंड फ्रेंच Let's play a game in which you have to pick one of the card. So what can you see in the picture? Elephant, hathi. We say it l'éléphant in French. L'éléphant. Yes, sir. Okay. Sir, can I have one more fresh card please? Today let's learn one or two words in French. Try one more. It's la ballon. So what can you see in the picture?
बनाना केला वी से इट ल बनान अच्छा सर एज दिस इज द वर्ल्ड्स फेमस लैंग्वेज जस्ट आफ्टर इंग्लिश सो वी इंडियंस वी ऑल आर रियली गुड इन इंग्लिश सो लेट्स लर्न द फॉरेन लैंग्वेजेस हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज किया तो इसलिए हम अंग्रेजी बोलते हैं जिन जिन मुल्कों पर फ्रांस ने राज किया वो लोग फ्रेंच बोलते हैं सर जिन मुल्कों पे फ्रांस ने राज किया वो फ्रेंच बोलते हैं और उसके अलावा फ्रेंच गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है लैंग्वेज तो इसी वजह से कनाडा जो हमें लगता है कि जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और पंजाबी बोली जाती है वहाँ की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वहाँ की सेकंड लैंग्वेज आपकी फ्रेंच है एंड यू हैव ऑल द जॉब्स इन द लैंग्वेज इन आर कंट्री एज वेल लाइक यू टेक अ नेम ऑफ एसेंशियर HCL Amazon एंड दे आर द हाईएस्ट पेड जॉब्स So, sir, if we are working in English, again, the foreign language, and we are getting, for example, 50,000, instead of that, if we are saying the same thing in French, and we are getting double salary at the end of the month, that matters. And also, we have the government jobs as well in this language. So, if you want to crack UPSC, ICSE, or any government job, you always get the option of French and English. The competition is English is very high, but the competition... Bonjour, bienvenue à Hamilton. Je m'appelle Insha, j'ai 12 ans. Dans cette école, nous suivons troisième langue, Sanskrit, Punjabi et Français. Oh, good. Thank you. Thank you, sir. If we learn French, if I am good in French and English, then I can easily learn or read Spanish and Italian. And it is also the most spoken language in the world. Thank you. Thank you, ji. Thank you. थैंक यू थैंक यू और आप ये देख सकते हैं ये पंजाबी भाषा को लेकर तो भाषा को लेकर बहुत गंभीरता से आप देख सकते हैं ये भाषा का स्टॉल है पंजाबी का स्टॉल पंजाबी का स्टॉल है जी ये असी उड़ाड़ा सिखाने हैं जी पंजाबी विच शुरुआत असी उड़े आड़े तो करते हैं फिर साड़ी यह रंगो रंग मुहारनी आ जाती है जिस असी सारी मात्रावां सिखाने हैं बच्चों नू आ भी मात्रावां सिखाने हैं जिवें आ ससा हैगा फिर ये बच्चा ऐ करके इनू मात्रा नू इत्थों का पढ़ के ऐ सीख सकदा छोटी दी मात्रा बड़ी दी जिवें असी सिहारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ पंजाबी सिखाने हैं ये सारिया मात्रावां फिर बच्चा आपकी ग्रामर का चला जाता है किसी भी स्टेट च जाना है तुसी जिवें मैं पंजाब तो हाँ मैं पंजाबी पढ़ी सी मैनू कॉलेज लैक्चरार दी जॉब मिल गई सी बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस आई हैड टू मूव हियर तो यहाँ आने के बाद फिर मेरे को गवर्नमेंट जॉब तो अपनी छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने हिंदी नहीं करी थी टेंथ की तो आई एम फ्रॉम पंजाब तो आप देख सकते हैं भाषा को लेकर भी यहाँ लगातार तो संस्कृत फ्रेंच और पंजाबी तीनों और पंजाबी जो माँ बोली है हरियाणा में इसको सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है पर बड़ी हम अफसोस नाल कहते हैं कि जड़ी अपनी खट्टर सरकार है वो इसनों माँ बोली का दूजी भाषा का दर्जा नहीं दे रही है जबकि पंजाब और हरियाणा जो है एको ही सूबा सीगे ते 1966 में जो है वंड करके जो है होया हैगा तो हरियाणा जो है पंजाब का ही हिस्सा है ते भाई सेकंड लैंग्वेज है ते मैं बेनती करूंगी खट्टर सरकार नू कि भाई सेकंड लैंग्वेज का दर्जा जरूर दिता जाए पंजाबी माँ बोली जिवें वो कहंदे ने कि पंजाबी साड़ी माँ बोली है खट्टर सरकार आप ही ए गल्लां दोहरांदी हैगी पर उसनू जदों अप्लाई करन दी वारी आंदी है ते वो फिर मुंह फेर लैंदे ने धन्नवाद जी बड़ा अच्छा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री के लिए आप देख सकते हैं और ये बच्चे यहाँ लगातार और वहाँ पीछे कुछ स्टॉल्स रह गए हैं वो भी एक बार दिखा दें आपको हम फ्रेंच तक पहुँच गए थे यहाँ गिनती है संस्कृत का स्टॉल है ये संस्कृत संस्कृत को भी इधर इधर हिंदी है हिंदी भी है संस्कृत भी है पंजाबी भी है फ्रेंच भी है अंग्रेजी भी है हाँ जी सर यहाँ पर हमारा हिंदी का है यहाँ हमारी ये जो बेसिक टेबल लगाई गई है मेन जो हम फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए और ये आगे हमारी एट तक चलती है जिनमें बेसिक पहले हम जो ये टेबल है ये करवा कर फिर हम आगे एट तक उनको ले जाते हैं ताकि शब्द रूप हो गया हमारा धातु रूप हो गए लट लकार लिरिट लकार लोट लकार ये हमारे लकार भी आ जाते हैं साथ साथ में और जो ये बेसिक टेबल है ये अगर बच्चा सीख जाता है तो वो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी बना लेता है तो उसको दोनों में हेल्प मिलती है संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में और जैसे इंग्लिश में काउंटिंग है हिंदी में काउंटिंग है ऐसे ही हमारी संस्कृत में भी ये गिनती है तो यहाँ पर अभी मैंने 50 तक लगाई हुई है और ये हमारी 100 तक चलती है 8th में
तो 100 क्यों, उससे भी आगे की गिनतियां हैं? हाँ जी है, सहस्त्र है, जैसे 1000 बोल देते हैं हम उसको, हजार सहस्त्र, मुझे तो लगता है शायद संस्कृत में तो जो गिनतियां हैं गिनतियां हैं वो शायद पूरी दुनिया में उतनी गिनतियां किसी भाषा के साथ नहीं। जी सर, और जो संस्कृत भाषा है, शंख, महाशंख, नील, दस नील, संस्कृत से ही हमारी मोस्टली भाषाएं हमारी संस्कृत से ही निकली हुई है सर। और ये हमारे इधर हिंदी है, इसमें हिंदी के मुहावरे हैं जी, आप कोई भी मुहावरा उठा सकते हैं। ये देखो, जैसे आप बताओगे कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, बेचकर सोना। यस राइट सर, आपको एक कैंडी मिलती है। अरे वाह मैम, कहाँ है, दीजिए प्लीज। ऊंट के मुंह में जीरा, यस सर। दूसरी भी होगी, ये सारी आ जाएगी मैम। हाँ जी सर जी। भैंस के आगे बीन बजाना, आंखें दिखाना। विश्वास पर विश्वास करते हैं, तो क्या आप बता पाओगे कौन सा अंधविश्वास है ये? छिपकली। छिपकली, लक्ष्मी घर में आना दिवाली के दिन शुभ होता है, वो वाला। अच्छा, वो भी है। ओके, पहले सोचो फिर बोलो। मुहावरे हैं ये, तो वो है बिल्ली रास्ता काट गई जी, ये भी समझा रहे हैं। इसको शुभ माना जाता है ना, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। और ये क्या है मैम? ये सर, दिस इज लाइक अ ट्रेडिशनल गेम, टिक टैक टो, दैट इज आल्सो नोन एज जीरो कांटा, बट देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस गेम, वी हैव टू यूज इंटीजर्स टू प्ले दिस गेम। द रूल्स आर, वी डू नॉट हैव टू फिल द मिडल ग्रिड इन द स्टार्टिंग ऑफ द गेम, वी शुड अचीव द सम जीरो आइदर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली। ओके, अच्छा, तो ये तो समय लगाने वाला खेल है, तो अभी थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, अच्छी प्रदर्शनी बच्चों ने यहाँ लगाई है, और जी तो आप देख सकते हैं टीचर्स यहाँ हैं, और बच्चों के लिए बहुत सारी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसा लग रहा है वो बात करेंगे, और ये बाहर की जो प्रदर्शनी है उस पर भी बात करेंगे जी। ये देख सकते हैं, मैजेस्टिक मदर नेचर, क्या है ये, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? दिस इज अ बोर्ड गेम। बोर्ड गेम, नहीं आप प्लीज आप समझिए, प्लीज आप समझिए, प्लीज आप समझिए, हम तो वही दिखा देंगे कि आप जो समझ रहे हैं जी। अच्छा, ये जो सांप सीढ़ी आपने बनाई है, ये सांप सीढ़ी नेचर से रिलेटेड सांप सीढ़ी है जी। ओके, तो इसमें इसमें वो सबसे बड़ा वाला सांप कहाँ है सर? ये जो है ना बैक वाला, इसमें बैक जाना होता तो ये फिर स्नेक ही है। बैक टू एट। अच्छा, बैक टू एट क्यों भेजा है आपने यहाँ से? सर बीच में एक सरप्राइज दे दिया, कई सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें बीच में सरप्राइज दे दो, पीछे भेज के बीच में सरप्राइज दे दो जी। देख सकते हैं जियोग्राफी पर बात कर रहे हैं, मेहनत को खूब की है टीचर्स ने, मेहनत तो खूब की है मैम। थैंक यू सर। सर दिस इज अबाउट जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम बच्चे जो हैं वो तीन हमारे राउंड करा रहे हैं, जिसमें कि वो क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, और जो ठीक जवाब दे रहा है उसको कैंडी भी दे रहे हैं, कैंडीज भी दे रहे हैं, कैंडी भी दे रहे हैं जी। तो बच्चे ने खुद से हाथ से बनाया सर, ये खुद इस बच्ची ने बनाया है। ओके, ये बच्ची जो है बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और ये फाइनल जब वो वाला राउंड खत्म हो रहा है तो वो ये वाली गिफ्ट्स दे रही है। बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं, ये दुनिया के नक्शे को भी समझने की समझाने की कोशिश हो रही है, और वाओ छत्तीसगढ़ पर जी। हट जाएं थोड़ा सा, और भी लोग हैं लाइन, ये अरे लाइन में जी, ध्यान से थोड़ा साइड हो जाओ, आप आपको लग जाएगा। ओ ये तो नहीं, आउट ऑफ कैसे, ये बे ऑफ बंगाल है, कैपिटल नहीं है जी जी, मध्य प्रदेश भोपाल, क्लाइमेट हॉट हॉट कैंडी। तो आप देखें समझाने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, जहाँ ये बच्चे मध्य प्रदेश
ओ नेपाल चले गए हैं आप जी, देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है ये। ये बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, तरह तरह की टेक्निक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सबके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। बी एड और एम एड में टीचर्स ने जितना पढ़ाया सब यहाँ बच्चों में उंडेल दिया, बच्चों को सब सिखा दिया है, इनको सिखा दिया है सब जी। गेस हू एम आई, कौन है आप? भगत सिंह। तो मैंने बताना हो, सॉरी। ठीक है, reformers and revolutionaries, so you will have to guess that who they are, so they will be acting for you for sure. Okay, so let's start with the group one. दिल हमारे एक है, एक ही है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। Guess who am I? सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कौन है आप? आपको पता चलेगा जब आप और को guess जी। ना ही डरे थे ना ही भागे थे, जब असेंबली में था बम फोड़ा, जगाकर सोई जनता को, अंग्रेजी सरकार का था मुंह तोड़ा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने कैंडी नहीं रखा? थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये जवाहरलाल नेहरू, और वो तो पता चल जाता है, एकदम पता चल जाता है। और भी लोग हैं तो आप देख सकते हैं। हमारे रगों में भी वही खून दौड़ता है जो आपके रगों में, तो ये भेदभाव कैसा? मैं बदलाव लाऊंगा, मेरे दलित भाइयों को इंसाफ दिलाऊंगा, पहचानो मैं कौन। बी आर अम्बेडकर जी, गुड। तो आप ये भी देख सकते हैं, आप भी कुछ बता रहे हैं सर। टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ फॉर द गेम। माय नेम इज जॉर्ज ऑरवेल, आई वाज अ 20th सेंचुरी राइटर, आई हैव रिटन मेनी बुक्स, दीज आर सम वर्ड्स यूज्ड बाय मी, use these letters to make new words. I am T.S. Eliot. I am famous for my many books such as The Wasteland. Here are some words I have used in my work. Use these letters to make a new word. Thank you. I am James George Novelist, best known for Ulysses. Here are words that I have used to make some different words. बहुत बढ़िया, good. थोड़ा सा दिखा दें फिर जी। और ये क्या बनाया है आपने? A very warm welcome to the exhibition. A thing that makes our work easier is called a machine. A device that changes the direction or the magnitude of a force is called a simple machine. There are six types of simple machine: inclined plane, wheel and axle, pulley, screw, wedge, for example axe, and lever. There are three types of levers: first class lever, second class lever, and third class lever. Here we are presenting an inclined plane, a simple machine with non-movable parts. It helps us to move objects to higher or lower surfaces rather than lifting it directly upwards. In this project, there is one pulley and two wheel and axle installed. The installation of this one pulley and two wheel and axle helps us to carry the bucket load easily and quickly. This is the model of a well that is based on the pulley system. In the pulley system, there is a wheel and an axle. In this model, one end of the rope is connected to the bucket and the other end is connected to the axle. When we apply the force and rotate it, the axle also gets rotated and the rope gets tied to the axle. Then... Thank you. Thank you. क्या नाम है? नाम भी बता दें दोनों आप अपना। प्रभनूर। शुभ। शुभ और प्रभनूर हैं यहाँ, और आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, और पेरेंट्स का जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत शानदार हैं बच्चों के लिए जी। कैसा लग रहा है ये? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट शोज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क डन बाय द स्टूडेंट्स एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, द टीचर हु वर गाइडिंग देम, सो इट्स अ ग्रेट ट्रीट टू वॉच ओवर हियर। वेरी वेल डन होमटन ग्रामर स्कूल जी, देख सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है पेरेंट्स का टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए जी। एनर्जी मॉडल, वी आर रिप्रेजेंटिंग द विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी डिफरेंट यूजेस। बहुत बढ़िया, नाम बता दें अपने। तृप्ति चौहान। फरहा खान। फरहा खान। फरहा खान हैं, और आपने क्या अलार्म बना दिया है भैया ये?
sir, this is an earthquake detector. When earthquake became inside the earth, there was a detecting of a vibrating sound and producing a huge amount of sound. Oh, great! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Electric circuit है और charging stations बनाए हैं. Wireless charging. Actually, the car is being charged. It was moved and came here and be charged. बहुत बढ़िया. चंद्रयान को लेकर बात कर रहे हैं. जी जी, प्लीज कंटिन्यू. जी कंप्यूटर लिटरेसी की बात हो रही है. स्मार्ट डस्टबिन भैया, इसके बारे में तो थोड़ा सा बता दो. यस सर. सर, वी हैव बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट डस्टबिन व्हिच इज बेस्ड ऑन द कैंपेन क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया. सर, एज वी नो दैट टुडे द वेस्ट इज मैनुअली सेपरेटेड इनटू ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम. सो वी हैव बिल्ड दिस स्मार्ट डस्टबिन व्हिच ऑटोमेटिकली सेपरेट्स द ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट. So this is ultrasonic sensor, this is moisture sensor, this is motor. So when you place object here, the ultrasonic sensor detects that the object is here and the moisture sensor checks that whether it is wet or dry. If it is wet, then it rotates into the blue section. If it is dry, then it rotates into the green section. Now I will show you. See, this is dry. This will rotate. Just a second. अच्छा, यस, ओके, वेट. और अगर ड्राई है? वेट है ये. वेट है. सी, इट्स रोटेट्स. ओह, यस, दैट्स ऑल. थैंक यू. तो ये इनोवेशन आपका कहीं से पढ़ा है आपने या खुद से बनाया है? हमारी टीचर ने, और टीचर हैज हेल्प्ड अस टू डू दिस. बहुत बढ़िया. टीचर्स मदद करते हैं अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए. और स्मार्ट डस्टबिन यहाँ इन्होंने दिखाया भी हुआ है. बहुत बड़ी उपलब्धि है. और ये सर, इट्स बेसिकली अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फीटस. हियर वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट डेवलपमेंट एज इन एवरी एनिमल इट डिफर्स एज इन. कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th साइंस. बायो? यस सर. नो नो. डॉक्टर बनेंगे? यस सर. क्या नाम आपका? दीक्षा. डॉक्टर दीक्षा. राघव. डॉक्टर राघव. तो भैया, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं बच्चों की इन. और ये तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार. ये देखें आप, ये देखें बच्चों ने जो चित्रकारी की है वो यहाँ इस दीवार पर लगी है. और यहाँ देख सकते हैं आप शानदार काम बच्चों ने जो किया है उसे यहाँ उकेरा है. ये भी देख सकते हैं आप. वाओ जी, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद.